हेलो फ्रेंड्स, मेरे पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एनालिसिस करते हैं सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड लाइंस को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। चलिए शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर्स की लेंथ काफ़ी अच्छी है, काफ़ी लेंथ में है फिंगर्स, काफ़ी एनालिटिक क्वालिटीज़ रहेंगी क्योंकि आगे से जो फिंगर्स हैं काफ़ी पॉइंटेड भी होती हुई नज़र आ रही हैं। काफ़ी एनालिसिस करने के बाद ही यह कोई काम शुरू करते होंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लेंथ है अपोलो फिंगर की, वह थोड़ी सी शॉर्ट दिखाई दे रही है तर्जनी से, जिसकी वजह से थोड़ी सी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ में कमी रह सकती है, लेकिन लीडरशिप क्वालिटीज़ इनके अंदर भरपूर रहने वाली हैं। थिकनेस काफ़ी अच्छी है फिंगर्स की, काफ़ी सटी हुई फिंगर्स हैं, बहुत ही फ्रेंडली नेचर यहाँ पर कह सकता हूँ। थोड़ा सा गैप है यहाँ पर तर्जनी कनिष्ठा फिंगर में और अपोलो फिंगर में, तो यह थोड़ा सा जो गैप है इसकी वजह से थोड़ी सी रेबेलियन क्वालिटी भी इनके अंदर आ सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके माउंट्स को, माउंट्स पे फिंगर्स की सेटिंग कैसी है, माउंट्स पे क्या क्या चिन्ह है, क्या क्या हमें बताते हैं। चलिए माउंट्स को दिखाने जा रहा हूँ आपको, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करूँगा फिंगर्स की सेटिंग चेक करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर्स किस तरह से सेट है इनके हाथ में, तो यहाँ से एक लाइन कुछ इस तरह से जा रही है और आगे जो है झुकाव अगर आप देखें तो मर्करी फिंगर में थोड़ा नीचे की तरफ झुकाव हो रहा है। और वैसे भी जो मर्करी फिंगर है बहुत ज़्यादा लेंथ में नहीं थी, थोड़ी सी बिजनेस क्वालिटीज़ में कमी रहने के चांसेस थे और उसकी वजह से थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्किल वीक रह सकती है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो डाउनवर्ड चल रही है ये लाइन यह शो करती है कि जो मर्करी फिंगर है, मर्करी माउंट है, यह थोड़ा सा लो सेट है। उसके आगे चेक किया जाए तो कुछ लाइनें मुझे नज़र आ रही हैं इनके मर्करी माउंट के ऊपर, एक बार दिखाना चाहूँगा सारा कुछ मिटाकर। यहाँ पर आप देख सकते हैं खड़ी लाइनें आपको बड़ी क्लियर दिखाई दे रही होंगी, जो इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बना देती हैं ये खड़ी लाइनें, जिसकी वजह से व्यक्ति काफ़ी हद तक बिजनेस में एक्सपर्ट भी हो सकता है, क्योंकि जो फिंगर शॉर्ट है उसकी वजह से ज़्यादातर कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है। लेकिन यहाँ पर जो खड़ी लाइनें होती हैं व्यक्ति को या तो हीलर बनाती हैं अगर इससे ज़्यादा लाइनें हों, या ऐसे व्यक्ति बिजनेस में अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। जैसे यहाँ तीन दो लाइनें हैं, अगर यहाँ चार पांच ऐसी लाइनें हों तो ज़्यादातर देखा गया है कि व्यक्ति जो है या तो डॉक्टर बनते हैं या नर्सिस या मेडिकल प्रोफेशन में या सोशल वर्क जैसे काम में होते हैं। तो यहाँ पर खड़ी लाइनों का होना काफ़ी शुभ माना जाता है। तो यहाँ पर दो खड़ी लाइनें मुझे इनके हाथ में दिखाई दे रही हैं जो इनके लिए बहुत ही अच्छी और प्रभावशाली हैं। उसके बाद यहाँ पर बहुत ही हल्का सा एक लूप दिखाई दे रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पर घुमावदार लाइनें दिखाई देंगी जो इनसे बनती हैं, जो हम फिंगरप्रिंट वाली लाइंस होती हैं इनसे बनती हैं, तो कुछ ऐसी। तो बहुत छोटा लूप है तो उसका असर भी थोड़ा कम होगा, लेकिन इसको लूप ऑफ ह्यूमर बोलते हैं। इसकी वजह से व्यक्ति खुश रहता है, हंसमुख रहता है, कुछ इस तरह का प्रभाव इस लूप ऑफ ह्यूमर का व्यक्ति पे पड़ता है। साथ ही साथ यहाँ पर गर्डल ऑफ वीनस जैसी फॉर्मेशन भी मुझे देखने को मिल रही है जो थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव डालती है। आप देख सकते हैं गर्डल ऑफ वीनस यहाँ तक और यहाँ तक बन रहा है, काफ़ी बड़ा है, तो इसके कुछ ना कुछ प्रभाव लाइफ पे रहेंगे। मूड स्विंग्स जैसी प्रॉब्लम भी लाइफ में एट अ टाइम्स हो सकती है बीच बीच में, लेकिन काफ़ी पार्शियल होने के साथ काफ़ी बड़ा है तो कुछ पॉजिटिव प्रभाव भी आ जाते हैं, समाज में रिकॉग्निशन भी मिलती है, लेकिन ब्रेक होने की वजह से मूड रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने के चांसेस रहते हैं। और अब बात करते हैं सूर्य माउंट की, तो सूर्य माउंट आप देख सकते हैं एवरेज है, यहाँ पर कुछ भी नेगेटिव नहीं है, एक हल्की लाइन ऊपर की तरफ चल रही है जो ओल्ड एज में रिकॉग्निशन दिलवाएगी। यह जो लाइन है यह तो गर्डल ऑफ वीनस की ही है। शनि माउंट को चेक करते हैं,
तो शनि माउंट आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है, उभरा हुआ है और यहाँ से नीचे से चलकर लाइन ऊपर तक सैटर्न तक पहुँच रही है। बहुत ही लाभदायक लाइन है, बहुत ही शुभ लाइन है जो इनको बहुत बेनिफिट्स देगी। और यहाँ पर सैटर्न के और अपोलो के बीच में भी लूप ऑफ ह्यूमर बनता हुआ मुझे, सॉरी लूप ऑफ सीरियसनेस बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर जो लूप बन रहा है, इस तरह की घुमावदार लाइनों के साथ बनने वाला यह लूप व्यक्ति को सीरियस नेचर देता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि व्यक्ति सारी ज़िंदगी या हर समय सीरियस ही रहे, लेकिन ज़्यादा टेम्परामेंट जो होता है वह सीरियस टाइप का होता है, तो ऐसे व्यक्ति सीरियस रहते हैं लेकिन बीच बीच में खुश भी बहुत होते हैं। जैसे आपने देखा था कि यहाँ पर लूप ऑफ ह्यूमर भी बन रहा था, तो कुछ इस तरह का स्वभाव मिला जुला इनका स्वभाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आगे चेक कर रहे हैं यहाँ पर इनका माउंट ऑफ जुपिटर, तो आप देख सकते हैं जुपिटर माउंट कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। जुपिटर माउंट प्रोग्रेस की लाइन काफ़ी अच्छी और प्रोग्रेस की लाइन को काटती हुई दीक्षा रेखा क्रॉस जैसा चिन्ह बना रही है। जैसे मैंने बताया था कि इंडिपेंडेंट क्रॉस बनना बृहस्पति के ऊपर बहुत अच्छा होता है, लेकिन फिर भी इस तरह की लाइनों से भी क्रॉस बनना यहाँ पर शुभ ही फल देता है। थोड़े से फल कम जरूर हो जाते हैं लेकिन मिलते ज़रूर हैं। काफ़ी अच्छी मैट्रिमोनियल लाइफ रहती है, उसके साथ साथ धन की कमी नहीं रहती। लेकिन एक फैक्टर से हम सारी एक तरह से प्रेडिक्शन नहीं करते, और भी चीज़ें लाइफ में देखनी पड़ती हैं। जैसे मैंने इनके वीनस माउंट के ऊपर तिल का चिन्ह देखा था, तो वह कुछ नेगेटिव भी कर रहा है, तो यहाँ पर उसको बचा रहा है बृहस्पति, जो नेगेटिविटी है उसको कम कर रहा है। अगर मैं ये कहता हूँ कि यह व्यक्ति की मैरिड लाइफ को सपोर्ट कर रहा है, बचा रहा है, अच्छी मैट्रिमोनियल लाइफ दे रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि हाथ में कोई और चिन्ह नहीं होगा जो उसको स्पॉइल कर रहा हो। तो यहाँ पर यह चीज़ एक अच्छा एक रोग की तरह काम करती है, सपोर्ट करती है। तो वही तिल आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले इनके हाथ में तिल का चिन्ह है जो काफ़ी डार्क भी नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं वीनस माउंट के ऊपर काफ़ी डार्क तिल का होना थोड़ा सा नेगेटिव है। नेगेटिव होने की वजह से इनको कुछ दिक्कतें रह सकती हैं, जिसकी वजह से इस मोल की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं। जैसे लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी पे अगर आप जाना चाहें तो उसमें दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे किसी फॉरेन ट्रैवल के जाना चाहें तो वीज़ा मिलने में दिक्कत रह सकती है, या ऐसी कुछ अड़चनें रह सकती हैं। दूसरा, लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ी सी अनबन रह सकती है। वैसे तो इनके हाथ में जो बृहस्पति पे माउंट है वो इन सब चीज़ों को रोकेगा, यानी इन सब बुराइयों को रोकेगा और इनको आगे बढ़ने देगा, लेकिन इफ़ेक्ट तो रहेंगे ही रहेंगे। और लाइफ पार्टनर से थोड़ी सी अनबन रह सकती है, शादी होने में देरी हो सकती है, और उसके साथ साथ ज़्यादा फ्रेंड सर्कल नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा मित्र नहीं बन पाएंगे, क्लोज़ मित्र जिनको कह सकते हो। वैसे तो बहुत से मित्र बन जाएंगे लेकिन बहुत क्लोज़ मित्र जिनके साथ समय बिताना व्यक्ति पसंद करता है, ऐसे मित्र नहीं बन पाएंगे। और उसके अलावा डायबिटीज़ होने के चांसेस, मैं ये नहीं कहूँगा कि डायबिटीज़ होगी, होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं इस मोल के होने की वजह से। तो इनको मैं शुक्र के उपाय सेंड करूंगा इस वीडियो को बनाने के बाद इनकी ईमेल आईडी पे, ताकि यह शुक्र के उपाय करके इनके जो प्रभाव हैं, दुष्प्रभाव हैं इस मोल के, उनको कम करें। जैसे जैसे ये उपाय करते जाएंगे इनका यह मोल धीरे धीरे कलर चेंज होना शुरू होगा, ब्लैक से ब्राउन और ब्राउन से धीरे धीरे गायब भी हो सकता है। अगर गायब ना भी हो तो कलर भी थोड़ा सा इसका लाइट हो जाएगा, तो इसके प्रभाव जो हैं वो कम हो जाएंगे। चलिए और देखते हैं क्या क्या नज़र आता है। यहाँ पर सबसे पहले मेन चीज़ें जो मुझे सामने दिखाई दे रही है उनको बताना चाहूँगा। यहाँ पर फिश का सिंबल बहुत ही क्लियर बन रहा है, आप देख सकते हैं बिल्कुल फिश लग रही है, विदेश यात्रा लेकर जाएगी, अच्छा भ्रमण है, ट्रैवलिंग है, स्टे भी है इनके हाथ में, विदेश जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, काफ़ी अच्छा चिन्ह है। और देखते हैं काफ़ी अच्छी और स्ट्रॉन्ग लाइन है माइंड की, सॉरी हार्ट की स्ट्रॉन्ग लाइन है, इमोशनल पर्सनैलिटी ज़्यादा नहीं रहेगी, प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी है, थोड़ी मटीरियलिस्टिक अप्रोच भी रहेगी, और कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर बनने वाले आइलैंड की वजह से, जो इनको
लगभग 65 से लेकर 70 की एज में कुछ दिक्कतें दे सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे जो एक माइंड की लाइन है काफ़ी स्ट्रेट मिडल हैंड के मिडल तक पहुँच रही है, काफ़ी शार्प माइंड को शो करती है, बहुत ही अच्छा और शार्प माइंड रहने वाला है, काफ़ी लकी हैं ये। फैमिली रिंग पे बड़ा आइलैंड बनना शो करता है कि इनको पुत्र जरूर प्राप्त होगा, शादी के बाद बेटा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देखें जो फेट लाइन है नीचे से चल रही है, यहाँ पर कुछ प्रोफेशन चेंज और उसके बाद काफ़ी अच्छी लाइन फेट की। इनकम की मुझे कोई भी किसी तरह की कमी दिखाई नहीं दे रही। मनी ट्रायंगल भी बनता हुआ नज़र आ रहा है, थोड़ी सी ओवरलैपिंग मनी ट्रायंगल में यहाँ पर दिखाई दे रही है, थोड़ा सा मनी ट्रायंगल यहाँ से खुला है, तो खुला खर्चा करने वाली पर्सनैलिटी कह सकता हूँ। काफ़ी अच्छी इनकम रहेगी और खर्चा भी खुला रहने वाला है। लाइफ की लाइन को देखा जाए तो काफ़ी अच्छा बाईफोर्क बना रही है एंड में आकर। आप यहाँ से देख सकते हैं कुछ इस तरह का बाईफोर्क, बाहर वाली लाइन थोड़ी सी वीक नज़र आ रही है लेकिन काफ़ी लॉन्ग स्टे को शो कर रही है। फिश का चिन्ह यहाँ पर काफ़ी क्लियर बन रहा है, तो विदेश यात्रा में रहेंगे, विदेश यात्रा के साथ इंडिया में भी इनके अप्स एंड डाउन्स होते रहेंगे, ट्रैवल पे रहेंगे और उसके साथ साथ काफ़ी अच्छे चांसेस और ब्राइट चांसेस वहाँ पर सेटल होने के भी मुझे नज़र आ रहे हैं। तो ओवरऑल इनको मैं वीनस के उपाय सजेस्ट कर रहा हूँ, वीनस के उपाय करें, लाइफ में तरक्की बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ कि मुझे मैंने लगभग सारे के सारे चिन्ह जो मुझे इनके हाथ में दिखाई दे रहे थे उनको एक्सप्लेन किया, लेकिन फिर भी अगर कोई चिन्ह रह गया हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मुझे उसे कमेंट सेक्शन में लिखें। और इनसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई प्रश्न रह गया हो तो वह इसी ईमेल पे मुझे सेंड करें, ताकि मैं दोबारा से इनके हाथ को चेक करके इनके सवालों के जो जवाब है वो टाइमली मैनर पर इन्हें दे सकूं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।